पवन अरुणिता ने कमाल कर दिया, धमाल मचा दिया, लोगों की नींदें उड़ा दी है। जी हाँ, पवन अरुणिता के तेरे नैना की बात कर रहे हैं। इस गाने को रिलीज हुए अभी एक महीना हुआ है, लेकिन व्यूज देखकर आप सभी के होश उड़ना तय है। जी हाँ, एक महीने के अंदर ये गाना मिलियंस का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। अपने फैंस को पवन अरुणिता ने शॉकिंग सरप्राइज देते हुए तेरे नैना की गुड न्यूज सुनाई है। पवन अरुणिता ने बताया कि इस गाने ने एक महीने के अंदर डबल तिबल कमाई कर ली और गानों के कंपैरिजन में पवन अरुणिता का ये तेरे नैना गाना खूब सुर्खियों में है। गाने की खास बात यह है कि गाने की लोकेशन सबसे ज्यादा पसंद की गई है, लद्दाख में पवन अरुणिता ने इस गाने की शूटिंग की थी, जिसकी लोकेशन ने सबका दिल जीत लिया। और इस गाने को देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि भाई एक बार तो फिर से पवन अरुणिता को लद्दाख जाकर शूटिंग करनी चाहिए, इनकी लोकेशन ने सबका दिल जीत लिया। उम्मीद करते हैं कि आगे भी पवन अरुणिता कुछ इसी तरह की लोकेशन लेकर अपने फैंस का दिल जीतेंगे। वहीं गाने के लिरिक्स भी कमाल के थे, गाने की हर एक लाइन का अर्थ पवन अरुणिता के प्यार पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा था। वहीं आपको बता दें, इस पूरे महीने पवन अरुणिता के पास काफी ज्यादा शो है और ठंड भी ज्यादा है। ऐसे में पवन अरुणिता जनवरी के महीने में कोई शूटिंग तो नहीं कर पाएंगे और फरवरी से अपने गाने की शूटिंग करना शुरू कर देंगे। इनके अलावा इस महीने राज एंटरटेनमेंट की तरफ से पवन अरुणिता के कई गाने रिलीज किए जाएंगे, जिसमें पवन अरुणिता को नए अंदाज में देखा जाएगा। कई इनके सोलो सॉन्ग होंगे तो कई इनके ड्यूट परफॉर्मेंस भी होंगे। वेल, आप इनके इतने सारे सॉन्ग देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप अरुणिता कांचीलाल अभी तक चंपावत में हैं। जी हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि पवनदीप अरुणिता करीब 7 दिन से चंपावत में हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। पवनदीप के घर में अरुणिता खूब मौज मस्ती कर रही हैं, आसपास के मंदिरों में घूम रही हैं और अपने सास ससुर के हाथ का बना खाना भी खा रही हैं और हर एक दिन को बहुत यादगार मना रही हैं। वैसे तो ये 9 जनवरी को घर से निकलते और सीधा केरला पहुंचते, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि आप पवन अरुणिता को पहले मुंबई आना होगा, फिर वापस केरला जाना होगा और मुंबई आने के लिए पवन अरुणिता को एक दिन पहले घर से निकलना होगा। यानी 8 जनवरी को ये घर से निकलेंगे और उसके बाद ये केरला जाएंगे। यानी जो एक दिन इन्हें घर में सबके साथ मौज मस्ती करके टाइम बिताना था, वो टाइम अब ये मुंबई आने में बिताएंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि इन्हें केरला शो के लिए जाना ही है तो ये घर से सीधे केरला क्यों नहीं निकल रहे हैं, बल्कि मुंबई आकर केरला क्यों जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि मुंबई से पवन अरुणिता को इनके मैनेजर गाइड करेंगे और फिर ही ये किसी शो के लिए जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ केरला वाले शो की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि आगे जितने भी शो होंगे उन सभी के लिए पवन अरुणिता को पहले मैनेजर की राय लेनी होगी और फिर ये अपने शो की शुरुआत करेंगे। अब घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि खुशी की बात है, क्योंकि अब पवन अरुणिता बड़े स्टार बन चुके हैं। ऐसे में इन्हें मैनेजर की हेल्प लेकर ही अपने काम करने होंगे, अपने प्रोग्राम और प्रोजेक्ट साइन करने होंगे। कल 8 जनवरी को पवन अरुणिता मुंबई आएंगे और रात को केरला के लिए निकल जाएंगे। केरला वाले शो के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप राजन के घर की एक बहुत ही प्यारी वीडियो सामने आई है, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। पवनदीप राजन के इस वीडियो को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि अब पवनदीप बड़े स्टार हो चुके हैं, उनसे मिलने के लिए फैंस को किस कदर मशक्कत करनी पड़ती है वो इस वीडियो में देखिए। पवनदीप मुंबई में रहते हैं और शो के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, उनका पैर एक जगह पर रुकता नहीं है। लेकिन उनके घर उत्तराखंड में पवनदीप से मिलने के लिए उनके फैंस को क्या क्या जतन करने पड़ते हैं वो इस वीडियो में देखिए। एक फैन जो कि उत्तराखंड का ही है और उससे जब पता चलता है कि पवनदीप नया साल मनाने उत्तराखंड अपने घर आए हैं, तो फैन ने पवनदीप से मिलने की इच्छा जताई और फैन इतनी ठंड में सुबह सुबह पवनदीप के घर के लिए निकल जाता है। वीडियो में रास्ता देकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा और पवन जिस जगह पर रहते हैं वहां का नजारा देकर आप भी यही कहेंगे कि पवनदीप की किस्मत ने साथ दिया और पवनदीप बहुत टैलेंटेड है जो ऐसी जगह से निकल कर चमके हैं। फैन ने वो हर एक रास्ता दिखाया जो पवनदीप के घर को जाता है, पवनदीप के घर से निकलता है। जी हाँ, फैन ने चंपावत की मार्केट भी दिखाई जहाँ से पवनदीप अक्सर घर का सामान लेते दिखाई देते हैं। इस मार्केट में पवनदीप के नाम का पोस्टर भी लगा है और हर एक दुकानदार पवनदीप का नाम जानता है, पवनदीप का घर जानता है। यूं कहें कि चंपावत चंपावत के नाम से कम जाना जाता है, बल्कि पवनदीप के नाम से ज्यादा जाना जाता है। जबकि उस मार्केट से करीब 1 घंटे की रास्ता पर पवनदीप का घर है, काफी दूर चलना पड़ता है तब पवनदीप का घर दिखाई
देता है। पहाड़ों का खूबसूरत नजारा दिल खुश कर देता है और इसी खूबसूरत जंगल पर पवनदीप का एक छोटा सा घर बना है। घर काफी बड़ा नहीं है लेकिन इस घर में काम होते दिखाई दे रहा है। शायद पवनदीप अपने माता पिता के लिए घर को फिर से अच्छी तरीके से बनवा रहे हैं। पवनदीप के घर के पास एक नदी भी जाती है जो पवनदीप के घर से बिल्कुल सामने दिखाई देती है, जिसमें पत्थर पड़े हुए हैं। और इसी नदी के पास कई बार पवनदीप और अनुनीता को फोटोशूट करवाते देखा गया, पत्थरों पर पानी से खिलवाड़ करते देखा गया। इनके अलावा फैन जब पवनदीप के घर पहुंचता है तो देखता है कि रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, लेकिन पवनदीप को इस नेचुरल जगह पर रहना इतना पसंद है कि उन्होंने कभी भी इस जगह को छोड़ने का विचार भी नहीं किया। उनके माता पिता को इस जगह से प्यार है। पवनदीप का भी कहना है कि वो यहाँ के लोगों का हुनर दिखाना चाहते हैं, हुनर को निखारना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जिस तरह से उन्होंने खुद मशक्कत की है उस तरह से लोगों को करना पड़े। फैंस पवनदीप के घर गया तो पवनदीप उस वक्त मार्केट गए हुए थे, किसी से मिलने गए हुए थे। पवनदीप की माता जी से मुलाकात होती है जो कि पवनदीप का पता बताती है। फैन काफी देर तक पवनदीप का इंतजार करता है और जब पवनदीप आते हैं तो फैन पवनदीप से मिलकर ही जाता है। पवनदीप से ऐसे रोज लोग मिलने आते हैं और उनसे मिलने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। पवनदीप नए साल के मौके पर अपने फैंस के लिए, दोस्तों के लिए और आसपास के लोगों के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम करके भी आए हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम को खुद ही ऑर्गेनाइज किया था और इस प्रोग्राम में उनके आसपास के लोग दिखाई दिए थे। पवनदीप इनके साथ रात भर एंटरटेनमेंट करते रहे, गाना गुनगुनाते रहे और इन्हीं के साथ नया साल सेलिब्रेट किया था। तो फैंस, राज एंटरटेनमेंट पवनदीप और अरुणिता के कई गाने रिलीज करने जा रहे हैं। ये गाने एक या दो नहीं है बल्कि कई सारे गाने। जी हाँ, पवनदीप अरुणिता राज एंटरटेनमेंट में करीब एक साल से कई गाने रिकॉर्ड करवा चुके हैं जो अब तक रिलीज नहीं हुए थे, लेकिन इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि पवनदीप अरुणिता के राज एंटरटेनमेंट की तरफ से कई गाने रिलीज होने वाले हैं, जिसमें कई गाने पवनदीप अरुणिता के सोलो सॉन्ग हैं और कई ड्यूट सॉन्ग भी हो सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि राज एंटरटेनमेंट ने पवनदीप अरुणिता के कई गानों की शूटिंग भी करवाई है, जिसकी वजह से इन्हें गाने रिलीज करने में टाइम लग गया। वहीं कहा जा रहा है कि पवन के गाने हॉलैंड में प्रोड्यूस किए गए हैं, तो कुछ तो स्पेशल और धमाकेदार होने वाला है, जिसकी वजह से पवनदीप अरुणिता के गाने रिलीज करने में राज एंटरटेनमेंट को इतना टाइम लग गया। पवनदीप ने भी लाइव आकर यही जानकारी दिया। तो आप पवनदीप अरुणिता के इन गानों के लिए इंतजार कर रहे हैं कि नहीं? वैसे क्या कुछ नया होने वाला है? आपने क्या सोच रखा है? कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।